राम राम सारे भाइयों ने, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हम नहा के आ चुके हैं और अभी हम छत पे हैं। ऐसा ना, सुबह से छत पे नहीं आए थे, तो हम छत देखने आए थे मौसम कैसा आ रहा। अब हम आपको मौसम दिखाते हैं अपने चारों तरफ का। और ये देखिए हम नहा चुके हैं फिलहाल। वैसे एक बात है दोस्तों, नहाने के बाद ना बिल्कुल भी जाड़ा ना ख़त्म हो जाता है। अब देखिए हम नहा चुके तो जाड़ा नहीं लग रहा। नहीं नहाए होते ना तो सुबह शाम तक ऐसा लगता है जाड़ा लग रहा है। और दोस्तों आज 31 तारीख है, आपको पता है आज 2023 का लास्ट दिन है। कल हैप्पी न्यू ईयर, तो बहुत सारे लोग तो पार्टी वगैरह कर रहे होंगे। हमारी भी कल छुट्टी है, अब देखते हैं हम भी कुछ अच्छा सा बना के खा लेंगे घर में। मोस्टली मैं ना, वैसे तो हैप्पी न्यू ईयर ना कुछ भी हो, नया साल हो, कोई त्यौहार हो, घर पे ही रहना चाहिए इंसान को। बट ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है एंजॉय करने का। तो अभी हम आपको यहाँ का वेदर दिखाते हैं दोस्तों। ने यहाँ पर ना हल्की सी वो बारिश हो रही है, लाइक ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी जिसे बोलते हैं ना, ऐसा मौसम हो रहा है। मौसम बहुत बेकार हो रहा है। अभी आपको हम दिखाते हैं मौसम अपने चारों तरफ अपने गांव में कैसा हो रहा है, आप देखिए बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए चारों तरफ मौसम कितना बेकार। ये हमारा मंदिर है और ये देखिए पेड़, और ये देखिए दोस्तों कितना गंदा मौसम हो रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं लोग ना बाहर आगे भी ताप रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत ही मौसम ख़राब है। तो दोस्तों आपको हमने फ़िलहाल मौसम का हाल दिखाई दिया, बहुत ही बेकार मौसम है। पता है आपको, हिरदू भी नहा चुकी है, तो हिरदू है नीचे। यस, तो हिरदू को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो नहाई है ना, तो उसको ना खांसी वैसी हो रखी थी, तो पूजा ने मना कर दिया छत पे मत ले जाना। बट मेरा मन था, क्योंकि सुबह से हम नहा रहे थे तो इसलिए मेरा मन था, तो मैं तो फ़िलहाल नहा चुका हूँ। और अभी हम ना, मैं भी नीचे जाऊँगा थोड़ी देर बाद, नीचे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगेगा, हिरदू है नहीं। तो मैं नीचे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ हिरदू क्या कर रही है। अभी हम खाना वगैरह भी खाएंगे थोड़ी देर बाद। पत्नी को तो दोस्तों देखिए, हरमाइनी कार्टून देख रही है, आप देख सकते हैं कार्टून चल रहा है। और हरमाइनी को आप देखिए, ये देखिए ये लड़की नहा चुकी है और बाहर बहुत ठंड है। ये देखिए पूजा भी कर चुकी है, माथे पे इसने तिलक लगा रखा है, मस्त लेट के कार्टून चल रहा है ना। और दोस्तों आपको इसमें ना एक स्वेटर नजर आ रहा होगा, इस स्वेटर की भी एक कहानी है। ये ना हमारी मम्मी जी हैं, मतलब हमारी जो मदर थी, उनके हाथ का बना हुआ ये स्वेटर है। तो इस स्वेटर को ना मैंने भी पहना है, इस स्वेटर को हमारी चाचा की लड़की है उसने ही पहना है। अब ये स्वेटर हमारी हरमाइनी पहन रही है, लेकिन इसको बचपन में मैंने पहना था, ये मेरी मम्मी के हाथ का बुना हुआ है। तो दोस्तों देखिए लड़की कार्टून देख रही है। ओए बाबू, हाय करो, हाय हाय करो, बंद कर दूंगा कार्टून अभी, हाय बोलो। अब नहीं बोलेगी कुछ भी दोस्तों, ये अभी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि ये कार्टून में लगी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये स्वेटर कितने साल पुराना होगा? ये स्वेटर है पूरे लगभग 30 साल पुराना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी कितनी वैल्यू। हमने बहुत संभाल के रख रखा है इस स्वेटर को, और अभी पू ने इसको धुल के हरमाइनी को आज पहनाया है। आज बहुत ठंड भी है ना, तो ये बहुत थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसको हमने ऐसे ही पहना दिया है मोड़ के। हरमाइनी से थोड़ा बड़ा है, अब हमारी हरमाइनी अभी छोटी सी है तो इसे आया नहीं था, बट हमने फिर भी इसे पहना दिया है। बहुत क्यूट लग रही है दोस्तों, देखिए मेरी बेटी। तो दोस्तों फाइनली हम किचन में आ चुके हैं, आप देखिए, ये देखिए हमारा किचन है। और अब हम ना आज हम बनाएंगे क्या सब्जी, आज सब्जी बनाने का ठेका हमने ले रखा है, तो आज हमारे हाथ की सब्जी बनेगी। और सब्जी बनेगी किसकी बननी है सब्जी? हाँ दोस्तों, आलू और उसकी क्या बोलते हैं मटर, सर्दियों में तो आलू मटर ही बनते हैं सबसे ज़्यादा, रसेदार सब्जी हम बनाएंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं कैसी बनेगी। तो दोस्तों हमने गैस चालू करके रख दी कढ़ाई, अभी हल्की सी गर्म होगी इस वजह से, तो ये सही है अभी से ना, मैंने हो गए हैं इसको एक दो मिनट, तो अब हल्की सी गर्म हो गई होगी। अभी इसमें हम डालते हैं तेल, तो अभी हम इसमें तेल डालेंगे, एक सेकेंड। ये डाल दिया अभी ये ना दोस्तों, वैसे तो हम सरसों के तेल की बनाते हैं, ये इसलिए बनना है क्योंकि कल हमने कचौड़ी बनाई थी रिफाइंड में, तो वो तेल ये देखिए बच गया था, तो इसलिए हम इस तेल को अब इसमें यूज करेंगे। तो अभी इसे गर्म होने का हम करते हैं वेट। तो दोस्तों अब फिलहाल हमारा तेल हो गया है हल्का सा गर्म। अब ये देखिए हमारा प्यारा था, ये है मसालेदानी, इसमें ना ये मसाले रखे हुए हैं, देखिए बहुत ही प्यारी सी है। अब इससे हम फिलहाल तो तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम क्या, जीरा, थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा, ये देखिए इतना बहुत है। अब फिलहाल हम ये ले लेते हैं चमचा। तो दोस्तों तब तक जीरा भुन रहा है, तब तक हम आप दिखाते हैं, हमने यहाँ पे देखिए सब्जी कट करके रखी, ये देखिए आलू मटर, और ये देखिए टमाटर, और ये देखिए लहसुन, और थोड़ी सी हरी मिर्च, तो ये ना पुज्जो ने कट करी है।
तो फिलहाल अभी ये हल्का सा ये भुन गया है, हल्का सा भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे क्या, फिलहाल हम डालने जा रहे हैं ये देखिए हरी मिर्च और लहसुन। अभी अच्छे से जब भुन जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये देखिए दोस्तों हमारे पास प्याज भी है, छोटी छोटी कट कर रखी है हमने। ओके भुन गया ना प्याज, ये अच्छे से भुन चुके। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। धीमी आंच कर देते हैं अच्छे से भुनने के लिए, जब तक इसमें प्याज हल्की सी रेड हो जाएगी उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। तो दोस्तों आप देखिए हल्की सी प्याज रेड रेड हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे क्या है, ये रहे हमारे टमाटर, टमाटर डालेंगे। और जब तक टमाटर हल्के से वो हो जाएंगे ना भुनने के बाद, अब इसमें हम डालेंगे मसाला। इन्हें हल्का सा भुनने देते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ी सी ये हल्दी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मैं लाल मिर्च कम खाता हूँ इसलिए लाल मिर्च हम कम डालेंगे। और ये धनिया पाउडर, इसे थोड़ा ज़्यादा डालूँगा मैं, तो मुझे धनिया बहुत पसंद है, लाल मिर्च थोड़ा कम। तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं बंद, इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। ये हमारे हैं मसाले। तो ना दोस्तों मसालों को ना गीला करके डालना चाहिए पानी से, तो हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे क्या पानी। तो एक सेकेंड, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी। ओके आप देख सकते हैं अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो गीला मसाला है इसको इसमें डाल देंगे। गीले मसाले डालने से फ़ायदा होता है दोस्तों, अच्छे से मसाले पक जाते हैं तो, इसलिए हमेशा गीले मसाले आप देख सकते हैं अच्छा खासा छौंक लग गई हमारी। अब इसे तब तक हल्के से पकाएंगे, ये देखिए टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है गीले से, सूखे मसाले से क्या होता है मसाला जल जाता है क्योंकि आप अचानक डालते हैं, हल्का गीला करके डालेंगे तो मसाला कभी नहीं जलेगा और अच्छे से पकेगा। तो इसे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, वैसे तो हमारा मसाला पक गया है, एक दो मिनट और वेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए हल्का सा ना तेल ऊपर आ गया है आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे मसाले अब गए हैं पक। तो हम इसको ना चाहें तो हल्का सा पानी ऐड करेंगे, बहुत हल्का सा, वैसे तो हमारा मसाला पक गया है क्योंकि हल्का सा तेल बाहर आ गया है। तो इसका मतलब हमारा अब इसमें हम ना अब थोड़ा मतलब गैस को थोड़ा धीमी रखेंगे, बाकी तो मसाले तो पक चुके हैं, गैस थोड़ा और धीमी कर देता हूँ मैं। अब इसमें हम डालेंगे क्या आलू। अभी हम ये देखें हमारे आलू और मटर हैं, दोनों डाल देते हैं। फिलहाल हम इसको रख देते हैं ऊपर, ये देखिए हमने यहाँ पर इसे रख दिया है। अब हमारे ये हैं, ये देखिए पानी में अच्छे से धुल के रख रखे हैं हमने आलू और मटर। तो इसको निकाल निकाल के इसमें डालेंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं आज खाना क्यों बना रहा हूँ, वैसे तो पू बनाती है, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना मेरा ही मन करता है, ऐसे ही मन कर जाता है छुट्टी वाले दिन अपनी पसंद का खाने का, तो इसलिए हम अपनी पसंद की सब्जी बनाएंगे आज। तो इसमें हम करते हैं ये सब डाल देते हैं पहले जल्दी से, फिर इनको ना क्या करेंगे भूनेंगे। अभी पानी ऐड नहीं करना है, अभी ना थोड़ा आलू ना उसमें मसाले में भूनेंगे आलू, आलू और मटर को, सॉरी आलू और मटर दोनों को। अभी आप देखना हम दिखाते हैं, देखते रहिएगा। अब आप ये सब चीज़ें देख के समझ ही गए होंगे दोस्तों मैं बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ, सब कुछ आता है। जो लड़के बाहर रह के पढ़ाई करते हैं ना, जिन्होंने रूम लेके पढ़ाई करी हो, उन्हें सब आता है, खाना बनाना सब आता है, वो कभी भूखे नहीं रह सकते दोस्तों। घर में कोई हो चुना उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद बना के खा लेंगे, बस हमारे पास ये सामान होना चाहिए। अब हम कर देंगे थोड़ा सा गैस तेज,
जिससे ये अच्छे से और गर्म हो जाए। अब ये थोड़ा इस मसालों में भूनेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम भूनेंगे इसे, कम से कम ये भूनेगा 5 मिनट तक। जैसे ना आलू हल्के से भुन जाएंगे ना, करारे हो जाएंगे, भुनने की खुशबू मिक्स हो जाती है सब्जी में, तो तब तक ये भुनेंगे आलू। तो दोस्तों देखिए, अभी से हम हल्का हल्का चलाते रहेंगे। ये हमारे आलू लगभग भुन रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि मैंने अभी गैस तेज करी थी। तो तब तक हमने क्या करा, ये देखिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया, जो हम पानी इसमें मिक्स कर। तो दोस्तों देखिए, हमारे आलू गए हैं भुन। अब हम इसमें ना थोड़ा सा, अभी हमने नमक नहीं डाला, जो मतलब आप समझिए सब्जी की जान होती है नमक। आप कितने भी मसाले डाल लो, कितना भी सब्जी भून लो, अगर नमक नहीं है ना तो सब बेकार है। तो हम इसमें करेंगे हल्का सा नमक ऐड, स्वाद अनुसार, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो हम अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ नमक कम ही डालने का, उससे क्या होता है ना, ये देखिए हल्का सा कर देता हूँ। अब कम डालने से क्या होता है दोस्तों, कम डालने से ये फ़ायदा होता है कि अगर सब्जी में रसेदार सब्ज़ी नमक कम हो गया तो बाद में आप ऐड कर सकते हो, अगर ज़्यादा हो गया तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मली डालता हूँ ताकि बाद में ऐड कर लो। तो हमारे देखिए दोस्तों आलू गए हैं भुन, अब इसे कर देते हैं मिक्स। अब आप देखिए, अब इसमें ऐड होगा पानी। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पानी भी गर्म हो गया, भाप से देख सकते हैं। अब इस गर्म पानी को हम इसमें करेंगे ऐड। आप देखिए बहुत अच्छे से हमारे आलू भी भुन गए थे। अब इसमें क्या होगा ना, आलू की सब्जी की जो हल्का सा भून लो ना, ये देखिए थोड़ा गल भी गए होंगे। हाँ, तो अभी थोड़ा पकने में तो टाइम लगेगा ये बनने में। और ये अच्छे से हमने इसमें पानी डाल दिया, और हम इसमें मुझे लगता है और पानी डालना पड़ेगा, थोड़ी सी पानी पकाने के लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना इसमें। बस ये देखिए दोस्तों, सब्जी का कलर बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हमने डाल दिया पानी, अब थोड़ा जलेगा तो हमें थोड़ा और रसेदार बनाए, तो हम मुझे लगता है थोड़ा कम पानी है तो मैं और ऐड कर देता हूँ। बस अब ज़्यादा हो गया, अब ठीक है, अब थोड़ा इसमें पानी जलेगा तो ग्रेवी ना गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। इसमें ना कुछ आलू हम फोड़ देंगे जब पक जाएंगे, तो ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको गैस को तेज करके ना इसमें हम लाएंगे एक वाल। तो हमें चाहिए क्या, एक ढकने के लिए ढक्कन जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें उठ रही है भाप, तो इसका मतलब हमारी सब्जी उबल गई है, मतलब उबलने का उबाल आ रहा है इसमें। तो अभी इसको ना हम इसे उतारें, कैसे उतारें, इसी से उतारते हैं। यस, मोस्ट टैलेंटेड सतीश पटवारी। गिर गया दोस्तों, ये देखिए सब्जी में आ गया उबाल। अभी से कर देंगे हम धीमा गैस, एकदम धीमी। ये देखिए मैंने एकदम स्लो कर दिया। अब क्या होगा, स्लो करने से इसका पानी पकता रहेगा और ये सब्जी बन जाएगी। सही है पानी, अभी इसको ना अब इसे पकने का वेट करते हैं धीरे धीरे। तो इसे ढक के रख देते हैं, अब इसे बनने में 15-20 मिनट और लगेंगे। 15-20 मिनट बाद बहुत मज़ेदार सब्जी बनेगी। तो दोस्तों 15-20 मिनट हो गए, अब हम अपनी सब्जी देखने आए हैं, हमारी सब्जी बन गई होगी आई थिंक, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हल्की आंच पे, ये देखिए दोस्तों हमारी सब्जी पक चुकी है। अब आप चाहे हल्का और गाढ़ी ग्रेवी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी ग्रेवी सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा ये आलूओं को फोड़ देंगे, मैंने पहले ही फोड़ के गया था बीच में। अब इससे क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे आलू क्यों फोड़ रहे हैं, आलू फोड़ने से ये होता है छोटे छोटे आलू हो जाएंगे और इसका हल्का सा ग्रेवी ना गाढ़ी हो जाएगी, और आलू थोड़ा मिक्स हो जाता है ना उसमें, तो ये आलू मिक्स हो जाएंगे इस ग्रेवी में, तो ग्रेवी हमारी थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी। तो फाइनली हमारी सब्जी बन चुकी है दोस्त, अभी ये मुझे पता है खाने में बहुत स्वाद लगेगी।
कमेंट्स करके बताइएगा किसको कौन सी सब्जी पसंद है। ये देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बन के तैयार है। मुझे तो ऐसी ग्रेवी वाली चाहिए तो इसलिए मैं इसे करने जा रहा हूँ बंद गैस को, क्योंकि हमारे पास चावल भी है ना, तो मिक्स करके खाएंगे रोटी के साथ मज़ा आएगा। तो दोस्तों फिलहाल हमारी आलू मटर की सब्जी बन गई थी और हमने खाना भी खा लिया। अब खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी तो हम यहाँ पर टहलने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा आंगन, मौसम तो हो ही रहा है बहुत ही अच्छा और हरमाइनी फिलहाल सो रही है। तो दोस्तों देखिए शाम हो चुकी है और हरमाइनी सो के उठ के आई है। चलो बेटा चलो दादी के पास चलते हैं ना, ये खिड़कियाँ बंद कर देते हैं ना, पर्दे लगा देते हैं, एक सेकेंड। ओहो दोस्तों ये क्या है ना, ये शीशे जो है ना शाम के समय, फिर इसमें मतलब क्या है कि दिन में ना ये जो हमारे खिड़कियों पे विंडो पे शीशे लगे, दिन में क्या होता है कि आप अंदर से बाहर देख लोगे, बाहर से अंदर कुछ नहीं नज़र आता, बस रात में उल्टा है, रात में बाहर से अंदर दिखता है, अंदर से बाहर नहीं दिखता, इसलिए पर्दे लगाने पड़ते। चलो बाबू चलो दादी के पास चलो, आप जा रहे थे ना, चलो 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 दादी के पास चलते हैं। ये देखिए दोस्तों मौसम यहाँ का अभी भी सुबह की तरह ही हालात हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है हालातों में। हाँ मैं चल तो रहा हूँ बेटा, आप चलोगे तभी तो। चलो 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 धीरे धीरे चल रहा है, चलो तेज तेज चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ के हालात। तो दोस्तों फिलहाल हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आज है 31 दिसंबर, तो आपको आज पता ही होगा कि 2023 का लास्ट दिन है, तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और आपका जो साल आने वाला है 2024 बहुत ही अच्छा जाए। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ना एक मोटिव है कि मैंने अभी सोचा है कि मैं ना हर एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा करूँगा, और उस क्वेश्चन का जिसको उत्तर पता है, क्वेश्चन रिलेटेड नॉलेज, नॉलेज मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड ही होंगे, और एजुकेशन से रिलेटेड मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट खोज हैं, मतलब इस टाइप से थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोटिवेशनल जिसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं क्या करा करूँगा, जैसे कोई वीडियो है ब्लॉग बनाऊँगा, उस ब्लॉग के अंत में क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा जब मैं एंड करूँगा, और उस क्वेश्चन का उत्तर आप सबको कमेंट्स में बताना पड़ेगा जिसको पता है, और जिसको नहीं पता है उस क्वेश्चन का उत्तर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेगा, और मैं खुद बताऊँगा उस क्वेश्चन का उत्तर। तो जैसा कि ये मेरा मतलब जो ये चीज़ मैं अब चालू कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि मतलब थोड़ा ना मस्ती के साथ साथ एक मतलब कुछ सीखने को मिले, लोगों की नॉलेज भी बढ़े। तो जैसा कि ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, शाम हो गई है, रात होने वाली है थोड़ी देर बाद। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों से जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, उनको ना लाइट मैन कहा जाता था। तो बस मेरा ये आज का ये वीडियो का यही क्वेश्चन है कि ऐसा मतलब हो, मतलब कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको लाइट मैन कहा जाता था। तो जिसको ये उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और ना फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी पूरी एक प्रकार से 10 मिनट या 5 मिनट में पूरी एक बायोग्राफी टाइप से बताऊँगा उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या करा। तो इससे क्या होगा ना, हमारा ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आप प्लीज़ बताइएगा कौन से साइंटिस्ट थे, ये हिंट है कि साइंटिस्ट हैं वो जिनको लाइट मैन कहा जाता था। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, और हाँ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2024।